कोविड-19 महामारी से बचाव के दृष्टिगत जिला मुख्यालय से सूचना शिक्षा संप्रेषण अभियान IEC कैंपेन का शुभारंभ उपायुक्त हरिकेश मीणा ने पुलिस अधीक्षक कार्तिकेन गोकुल चंद्रन की उपस्थिति में किया। सुरक्षा की युक्ति कोरोना से मुक्ति इस अभियान का नारा रखा गया है। उपायुक्त ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाई और आशा कार्यकर्ताओं को होम आइसोलेशन किट प्रदान कर सांकेतिक तौर पर अभियान प्रारंभ किया। इस कोरोना किट में पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, हैंड सैनिटाइजर, मास्क, आवश्यक दवाएं एवं होम आइसोलेशन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों व कोरोना से बचाव से संबंधित मार्गदर्शिका इत्यादि शामिल है। लगभग 500 रुपए के ये किट प्रत्येक आशा कार्यकर्ता को उपलब्ध करवाई गई है और इसका उपयोग होम आइसोलेशन में रखे कोरोना संक्रमित लोगों की जांच के लिए किया जा सकेगा। अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, शिक्षा, पंचायती राज, सामाजिक कल्याण, आयुष, गृह रक्षक वाहिनी, स्थानीय निकाय सहित अन्य विभागों के साथ मिलकर ग्राम स्तर तक कोरोना से बचाव संबंधी उपायों का प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक करेगा। स्वास्थ्य विभाग सर्दी जुकाम के लक्षणों वाले लोगों की स्क्रीनिंग भी करेगा और उच्च जोखिम वाले जो कोमॉर्बिड मामलों की जानकारी भी एकत्र की जाएगी ताकि उनकी समय पर समुचित जांच इत्यादि की जा सके। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने सभी जिलावासियों से आग्रह किया कि वे केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से समय समय पर जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना करते हुए कोरोना से लड़ाई में अपना सक्रिय सहयोग दें। सभी लोग सही से मास्क पहने, हाथ बार बार धोएं तथा 2 गज की दूरी का निर्वहन अवश्य करें। इसके अतिरिक्त अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप अवश्य डाउनलोड करें। घर में पृथकवास पर रखे लोग एवं उनके परिजन भी स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करें। उन्होंने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं का पालन करने का विशेष आग्रह भी किया। उन्होंने संबंधित विभागों से आग्रह किया कि वे अपने फील्ड स्टाफ के माध्यम से इस अभियान का संदेश जन जन तक पहुंचाने में सक्रिय सहभागिता निभाएं ताकि इस महामारी के प्रसार को नियंत्रित किया जा सके। इस बारे में साप्ताहिक आधार पर प्रतिवेदन भी भेजना सुनिश्चित करें। सार्वजनिक स्थलों के अतिरिक्त यात्रा के दौरान बसों व अन्य वाहनों में सवार लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक एवं प्रेरित करने हेतु समय समय पर निरीक्षण भी करें। IEC को कोरोना के लेके जो IEC की 3 वैन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में जो स्टार्ट की थी और ये जो डिस्ट्रिक्ट में सभी सब डिविजन में जगह जगह जाके जो सावधानियां बरतनी है कोरोना के वक्त की, चाहे 2 मीटर की डिस्टेंस रखनी है, मास्क लगाने पब्लिक प्लेसेज में, और जिस तरह सिम्टम्स आ रहे हैं या किस तरह से आपको टाइमली टेस्टिंग करनी है, उसी तरीके से इसमें जो हम होम आइसोलेशन के रेस्पेक्ट में क्या क्या सावधानियां बरतनी है, किनको हम आइसोलेशन कर सकते हैं और क्या क्या हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, किस पे पल्स ऑक्सीमीटर भी है, सैनिटाइजर भी है, उसके अलावा अदर आइटम्स मास्क वगैरह है। लेकिन हमें इसको दोबारा रिजुनेट करने की जरूरत है क्योंकि 95% लोग अब जो पॉजिटिव आए हैं वो हम अभी होम आइसोलेशन में है। तो होम आइसोलेशन में है तो क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्योंकि हमारा एक सर्विलेंस ऑफिसर होता है, टाइमली चेक करना कि किसी की तबीयत खराब तो नहीं हो रही है। तो पल्स ऑक्सीमीटर हमने दिया है, अगर एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे SpO2 डाउन जाती है तो उनको रेफर किया जा सकता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अर्चना सोनी ने अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की, जबकि जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय जगोता ने धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ा। ये हमारा एक मैसिव IEC कैंपेन लॉन्च हो रहा है, जैसा कि सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार अब हमें कोरोना से मुक्ति पाने के लिए मैसिव IEC की ज़रूरत है पब्लिक में, क्योंकि अब सब अनलॉक के बाद हमें पब्लिक में एक मैसेज देने की ज़रूरत है कि जहाँ भी जाओ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, मुंह में मास्क पहनो और कफ एटिकेट्स का यूज़ करो, और चौथी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग का जो हाथ साफ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो हम बीमारियों से बच सकते हैं, और कोरोना से मुक्ति का यही एक तरीका है। जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं आ जाती है तो मास्क को ही वैक्सीन समझें। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जितेंद्र सांस्टा, आदेशक गृह रक्षक वाहिनी सुशील कौंडल, जिला आयुर्वेद अधिकारी सरिता राणा सहित विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे।